आधा घंटा ज़्यादा पढ़ रहा है वो तुमसे ज़्यादा AIR लेके आएगा और अच्छे IIT में जाएगा। ठीक है भाई, जब तक मेरे 80 PYQs कंप्लीट नहीं होंगे आई वोंट बी गोइंग टू। 2 साल है मेरे पास, मुझे इसमें कैसे भी करके मेहनत करके निकालनी है IIT। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्टो। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यार जैसे कि आप सब कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन ये रहता है कि यार पढ़ते टाइम नींद आ जाती है, किताब खोलते ही नींद आ जाती है। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स व्हिच एवरी person who is preparing for a competitive exam faces. So my name is Harshita Mehbubani and I am from IIT Dhanbad and today's session will be on how to overcome sleepiness while studying. ऐसा होता है कि हम दिन में पढ़ रहे हैं तो कई बार दिन में ही नींद आ जाती है, हम इतना ज्यादा खा लेते हैं कि खाने के बाद नींद आने लग जाती है। रात को हम पढ़ रहे होते हैं तो लॉन्ग आवर्स तक पढ़ने की सोचते तो हैं बट पढ़ नहीं पाते क्योंकि उसमें भी नींद आने लग जाती है। सो दैट इज नॉट व्हाट विल टेक यू अल्टीमेटली टू IIT. What will take you to IIT is your long hour study with dedication. तो आपको पता होना चाहिए कि यार 2 साल है मेरे पास, मुझे इसमें कैसे भी करके मेहनत करके निकालनी है IIT. So that you need to avoid distractions and sleep is another distractions. जैसे आप दिन में पढ़ रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए यार कि इतना ज्यादा नहीं खा लेना है कि ओवर ईटिंग करके आप सोने जा रहे हो एंड उसके बाद आपको ऑब्वियसली नींद आएगी। लाइक यू नो, आप दिन का लंच करते हैं, रात का डिनर करते हैं, उसके बाद नींद आती है ऑटोमेटिकली। तो वो चीज़ अवॉइड करनी है बिकॉज आपका जो एग्जाम का टाइम होने वाला है वो 3 to 6 होने वाला है JEE मेन्स का, और बीट अगर मॉर्निंग वाला शेड्यूल है तो 9 to 12 का, बट 3 to 6 में मान लेते हैं। अगर आपकी हैबिट है कि यार 2 बजे मैं अच्छे से फुल एकदम लंच करके सो जाता हूँ, सो अल्टीमेटली आपको एग्जाम में भी नींद आने लगेगी और आपका ब्रेन 100% फंक्शन नहीं करेगा। सो अवॉइड ओवर ईटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ time. Secondly, when you are studying at night, try to not study on bed and rather sit on table and chair. जब आप टेबल चेयर पे बैठोगे आपकी बैक एकदम स्ट्रेट रहेगी तो आपका एक स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन एक्टिवेट होता है जिससे आपका माइंड 100% पोजीशन में रहता है कि भाई मेरे को अभी पढ़ना है, मेरे को अपना 100% एफर्ट मारना है, मेरे को डेडिकेशन से पढ़ना है। यू नीड दैट। अब आप पलंग पे लेट के पड़ोगे तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा टाइम बाद लैपटॉप का फ्लैप की तरह नीचे आते आते आप भी सो जाओगे, आपका फ्लैप भी नीचे आ जाएगा। तो वो चीज नहीं करनी है। थर्डली, आपको टारगेट सेट करके चलना है। लाइक जहां भी आप बैठ के पढ़ रहे हो टेबल चेयर पे तो सामने अपना लिख के रखो कि भाई मेरे को ये टारगेट अकम्प्लिश करना है। सपोज मुझे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करने हैं और उसके 50 to 80 PYQs लगाने, तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई जब तक मेरे 80 PYQs कंप्लीट नहीं होंगे आई वोंट बी गोइंग टू स्लीप। दैट शुड बी अ मोटिवेशन। बिकॉज सपोज आप 4 बजे सोने जा रहे हो, सो देयर विल बी अ पर्सन हु इज अवेक टिल 4:30, देयर इज अनदर पर्सन हु इज अवेक टिल 5 AM। तो वो आपका मोटिवेशन आना चाहिए अंदर से कि यार मैं सो जाऊंगा तो कोई ना कोई तो आधा घंटा ज्यादा पढ़ रहा है, वो तुमसे ज्यादा AIR लेके आएगा और अच्छे IIT में जाएगा। So that is where motivation comes in. Sit straight. Don't study in bedroom. Avoid studying in bedrooms. And thirdly, avoid overeating. And supposedly आप नाइट को पढ़ रहे हो तो रात के लिए आपको सबसे बेस्ट एफर्ट आता है वो है कॉफी। अगर आप कॉफी पियोगे तो उससे आपकी नींद ऑलमोस्ट उड़ जाती है। आई वुड से कि अराउंड 3 to 4 hours तक आप काफी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो एकदम 100% डेडिकेशन के साथ। एंड thirdly, one of the advantages of accomplishing a target is start giving you rewards. जैसे अब आप मान लो सपोज जैसे मैंने एग्जांपल दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंप्लीट करते हैं सो स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ रिवॉर्ड। अगर आपने बहुत टाइम से आइसक्रीम नहीं खाई है तो सपोजिटली थिंक दैट एक वीक में मैंने ये कंप्लीट किया है तो मैं अपने आपको रिवॉर्ड के तौर पर एक आइसक्रीम दूंगी। सो दैट वुड मेक यू हैप्पी कि यार ठीक है मेरे को ये चीज अकम्प्लिश करनी है कुछ मिलने के लिए। सो दैट इज हाउ यू ग्रो एंड दैट इज हाउ यू नर्चर थ्रू द एफर्ट्स यू मेक इन दैट अर्न यू रिवॉर्ड्स। तो ऐसे करके आपको स्लीपीनेस अवॉइड करनी पड़ेगी क्योंकि स्लीपीनेस कैन बी अ मेजर मेजर डिस्ट्रैक्शन इन योर प्रिपरेशन टू IIT. So for more such content and more such tips on how to improve your preparation and keep it well going, please subscribe to the channel and thank you so much.